हेयर फॉल रुके तो हम हेयर ग्रोथ के बारे में सोचें ना हेयर फॉल रुकता ही नहीं है हाँ कोई ऐसी रेमेडी हो जो हेयर फॉल भी रोक दे और हेयर ग्रोथ भी दे दे तब कमाल होगा तो है ना कमाल हमारे पास आज मैं आपको जो तरीका बताने के लिए आई हूँ उसके लिए मुझे आपका पूरा का पूरा फेथ एंड डिवोशन चाहिए एक हफ्ते का समय चाहिए और मात्र एक इंग्रेडिएंट से तीन प्रकार की रेमेडीज चाहिए कर पाएंगे तो आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन प्रीति प्रेरणा के परिवार के प्रत्येक सदस्य का उनके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कल लाइव सेशन में मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चार मिलियन का खूबसूरत सा परिवार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना प्यार विश्वास और समय मुझे देने के लिए दिल से आभार आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे नंबर चेकआउट कर लीजिए और देखिए क्या मिस कर रहे हैं आप इसलिए जल्दी से परिवार का हिस्सा बन जाइए और हमारे साथ इस खूबसूरत सी जर्नी का पार्ट हो जाइए आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने के लिए आई हूँ जो कि आपके हेयर फॉल को रोकेगा और आपको बेहतरीन हेयर ग्रोथ देगा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्रेरणा दी हम तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं इतनी सारी रेमेडीज हैं कौन सी वाली फॉलो करें देखिए पहली बात तो सभी कारगर हैं किसी एक पर विश्वास करना है आई नो ये बहुत मुश्किल होता है विश्वास कर पाना इट्स ओके आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेट्स से आप यहीं से शुरुआत कीजिए ये अगर आपको रिजल्ट दे देता है जो कि हंड्रेड दे देगा तो आपको किसी और रेमेडी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा बट इफ एट ऑल अगर ये रेमेडी आपके लिए काम नहीं करती है तो फिर आप एक हफ्ते का ब्रेक लेंगे और उसके बाद किसी और रेमेडी को ट्राई करेंगे वेरी सिंपल तो आइए जानते हैं कि क्या करना है कैसे करना है कितना कब तक किस अवधि तक करना है टू हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट फॉर योर यानी कि हेयर फॉल को रोकना और हेयर ग्रोथ को इंस्टिगेट करना तो आज के हमारे टू एंड वन चैलेंज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमें यहां पर चाहिए वो है एक कप मेथी दाना जी सीड्स जिसके अंदर ये ताकत है कि वो हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकता है और आपके बालों में रुकी हुई ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है आप बाल लंबे करना चाहते हैं तो भी एक हिडन सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकता है जो कि आपके बालों में हेयर ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है इसीलिए इसके बारे में पढ़ना तो अनिवार्य है क्यों पढ़े आपने बताया हम ट्राई कर लेंगे बिल्कुल मैं जानती हूँ आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपको बताऊंगी तो आप मान लेंगे लेकिन जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना तो जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी चीज के लिए काम करने के लिए तो पढ़िए फेनोग्रीक के बारे में कि ये कितना ताकतवर इंग्रीडियंट है ये मात्र एक एप्लीकेशन में आपके हेयरफॉल को रोक सकता है ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन में हेयर ग्रोथ नहीं मिलेगी उसके लिए समय लगता है पर आपको दिखेगा कि पहले एप्लीकेशन में एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा अगर आप एग्जैक्टली exactly वैसे ही एप्लीकेशन करते हैं और वॉश करते हैं जैसा मैं बता रही हूं वरना ज्यादा भी हो सकता है समझ में आए ना फेनोग्रिक जो होता है बहुत चिपचिपा होता है वो बालों में चिपक जाता है तो वॉश करते समय आधे लोग वैसे ही रोने लग जाते हैं कि क्या लगवा दी हमारे सर में हमारे तो आधे बाल वैसे ही गिर गए ध्यान से सुनिए कैसे करना है इंग्रीडियंट की क्या प्रॉपर्टीज है क्या तासीर है कैसे इस्तेमाल करना है और फिर एंजॉय कीजिए तो इसी इंग्रेडिएंट से हम प्रिपेयर करने वाले हैं तीन चीजें जो कि आपके बालों के लिए आपको हफ्ते भर में यानी कि सात दिनों के अंदर अंदर ट्राई करना है और आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ज्यादा चेंज है विजिबल चेंजेस आपको दिखेंगे और इसीलिए ये बहुत पावरफुल है सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको करनी है वो है एक पैन में आपको लेना है एक कप फेनोग्रीक सीड्स इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे याद रखिएगा कि वॉश करने के बाद जो पानी बचेगा उसे नाली में नहीं बल्कि गमले में डालना है पौधों में डालना है यह खाद का काम करता है तो प्लीज भी विजिलेंट ऑफ योर छोटी छोटी बातें जो आप किचन में करते हैं इसके बाद आप इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और इसको ओवरनाइट के लिए रहने देंगे जब आप इसको ओवरनाइट के लिए रहने देते हैं या किसी भी ग्रेन को रहने देते हैं फॉर दैट मैटर तो वो पानी में अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देते हैं और उनकी जो पोटेंसी है उनकी जो ताकत है उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में आ जाते हैं और उस पानी का इस्तेमाल आपको वही बेनिफिट्स देता है जो कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देगा तो इस पानी को नेक्स्ट मॉर्निंग आप स्ट्रेन कर लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में सेव कर लीजिए ये आपका हेयर टोनर बनकर रेडी हो चुका है जो कि आपको एवरी सिंगल डे लगाना है अब अगर आप इस टोनर को चैलेंज करना चाहते हैं ना तो ओपन चैलेंज कर दीजिए आप देखेंगे कि लिटरली आपके बालों में विजिबल चेंजेस दे सकता है अच्छा एक दिन ऐसा करते हैं हाफ आधे बालों में लगाइए को और आधे बालों में मत लगाइए आप खुद देखेंगे कि आधे बाल इतने चमकदार हो रखे हैं जिसमें टोनर इस्तेमाल हुआ है और आधे नहीं जी हां ये इतना पावरफुल है लेकिन अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो लेंथ पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है सिर्फ आप स्कैल्प पे लगा लीजिए एंड दैट वुड बी सफिशियंट तो ये तो हमारा टोनर बनकर रेडी हो गया अब जो ये सीड्स बचे हैं ओवरनाइट सोक करने के बाद इसको आप एक पैन में लेके दोबारा से एक ग्लास पानी लेके अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जी हाँ बिल्कुल यू नो ऐसे हाथ से पिचक जाने चाहिए इस लेवल तक आपको बॉईल करना है इसके बाद ये उबलने के बाद जो पानी आया है इसको आप अलग से स्ट्रेन कर लेंगे हम इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये हमारा दूसरा जो चीज है ये कंडीशनर बनकर रेडी हुआ है जो कि हमें हेड वॉश के बाद हर बार इस्तेमाल करना है जी हां तो ये सेकेंड इंग्रेडिएंट बनकर रेडी हो चुका है सेकेंड चीज हमारे यू नो इस पूरे रेमेडी की बनकर रेडी हो चुकी है जो कि है हेयर कंडीशनर अब ये जो सीड्स आपके पास रेडी हैं जो बिल्कुल यू नो पितपित -पित हो रखे हैं इसको आप एक ब्लेंडिंग जार में लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे अगर आपके पास करी लीव्स हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट आपको मिल जाता है जो कि आपको अपने पूरे बालों में लगाना है जी हाँ ये हेयर मास्क मैं आपको चैलेंज कर रही हूं आप फर्स्ट एप्लीकेशन इसका कीजिए और आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल रुक गया फर्स्ट एप्लीकेशन इथ एक भी बाल नहीं बहेगा ऑब्वियसली कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर से कोई कमी होनी नहीं चाहिए तो अच्छा खान पान रखिए एक्सरसाइज कीजिए और तब आप इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आई अश्योर यू कि एक एप्लीकेशन में हेयर फॉल सब्साइड हो जाएगा इसको आपको अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है अगर आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें दही मिला सकते हैं और अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल यहां पर ले सकते हैं और अच्छे से अपने पूरे बालों में स्कैल्प में लेंस पे लगा सकते हैं वंस यू आर डन आप शार्क ऐप पहन लीजिए क्योंकि आप इसको बिल्कुल भी सुखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल से वरना फिर यू नो वॉश ऑफ होता है तो आप शार्क ऐप पहन लीजिए ताकि ये गीला रहे और अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर दैट इज लाइक मोर देन सफिशेंट इतना आप अपने बालों में रहने दीजिए और उसके बाद नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कीजिए नाओ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ ये अदरवाइज आप यू you नो know, अगर ये नहीं सुनेंगे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका सुहा हो सकता है सो प्लीज़ बी केयरफुल जब आप हेड वॉश करेंगे ये इतना स्टिकी होता है ना ये बालों से निकलता ही नहीं है तो अच्छे से पहले प्लेन वाटर से वॉश कीजिए ताकि जितना यू you नो know, अपने आप वॉल्ट्री बह रहा है उसको बहने दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से शैम्पू करके जो एक्सेस है उसको निकलने दीजिए डन अब जब आप वॉश कर रहे होंगे ना आपको लगेगा अरे नहीं निकला है क्योंकि अभी भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बालों में हैं जी हाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं मैंने आपको बता दिया आपको फील हो सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स अभी बालों में हैं डन इनफैक्ट धोने के बाद जब आप ताल से अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे तो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नीचे ज़मीन पर गिरेंगे जी हाँ तो बाथरूम में ही पहुँच लेना और उसके बाद टाल अपने बालों में लगा के रखिए क्योंकि अभी भी ग्रैन्यूल्स आपके बालों में हैं शैम्पू करने के बाद भी जी हाँ शैम्पू करने के बाद भी इसको भी आप रहने देंगे नेचुरली अपने बालों को सूखने दीजिए ऑब्वियसली कवर करके रखिए ताकि पूरे घर में गंदा ना हो या बालकनी में सुखा लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हैं जब आपके बाल सूख जाए उसके बाद ब्रॉड टूथ कोम से जैसे ही आप कंगी करेंगे ना वो सारे के सारे ग्रैन्यूल्स नीचे गिर जाएंगे और आपके बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे यू अंडरस्टैंड नाउ सबसे ज्यादा पैनिक कब होता है जब ये बोला था कि अरे शैम्पू करके आपके बाल लहरा जाएंगे और आधे लोग बाथरूम में पैनिक कर जाते हैं कि अरे उन्होंने तो कहा था बाल लहरा जाएंगे यहां तो हमारा कूड़ा ही नहीं निकल रहा है बालों से तो वो रहेगा ये नेचुरल रेमेडी है थोड़ा सा तो थो आपको करना पड़ेगा ना वरना लगा लो फिर आप रिवॉर्निंग वाला जो भी लगाते हैं केमिकल उससे भी हो जाएगा पर हमें वो सब नहीं करना है ना हमें नेचुरल और बहुत ही सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ना है जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स आप करते हैं उसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट आपके बालों पर पड़ता है बाल सफ़ेद हो जाते हैं अजीब से करकश हो जाते हैं समथिंग और दी अदर इज डेफिनेटली देर तो उनसे बचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं और इसके अगर थोड़े से साइड इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ हमारी जो कन्वीनियंस है उसको हम झेल सकते हैं प्लीज मेरा फैम मेरी फैमिली बहुत प्यारी है समझदार है जानती है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है तो केमिकल से बचना है तो इस प्रकार की थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जब आप अपने बालों को धोएंगे I'm pretty sure selfies लेने का मन करेगा लीजिए बिल्कुल लीजिए। इतनी मेहनत करिए तो लीजिए, लीजिए। नाउ आंसरिंग कि आपके दिमाग में आपके जहन में आए होंगे जब आपने ये पूरा का पूरा विवरण सुना है कि कैसे करना है क्या बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं बेखौफ होकर उनके बालों में इसका इस्तेमाल कीजिए और किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये कोई साइड इफेक्ट उनके बालों में नहीं देगा ये प्लेन शैम्पू की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चों के बाल छोटे हैं तो आसानी से मतलब थोड़ा सा विजिलेंटली वॉश कीजिए यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं जी बिल्कुल भी नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल ए अनलेस आप इसको exactly एक्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है क्या हम जो हेयर टोनर है उसको हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ये बहुत ही माइल्ड टोनर है तो डेली एप्लीकेशन इसका किया जा सकता है हेड मास्क जो हमने बनाया था जो पेस्ट बनाया था क्या उसको हर दिन लगा सकते हैं जी अगर हिम्मत है तो करके देख लीजिए वैसे पॉसिबल नहीं है और ना ही आपको ये करना है हफ्ते में एक बार अगर ज्यादा बन गया है तो दो बार दैट्स इट इससे ज्यादा आपको नहीं करना है और दो एप्लीकेशन में ही आपको दिख जाएगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है जो हेयर कंडीशनर हमने बनाया था उसको कब कब इस्तेमाल करना है जो कंडीशनर आपने प्रिपेयर किया है आप जितनी भी बार हेड वॉश करते हैं नॉर्मल हेड वॉश भी करते हैं ना शैम्पू वाला तो भी उसके पीछे आप इसको एज अ कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब शैंपू करने के बाद इसको अच्छे से बालों में लगा के रहने दिया तब तक बॉडी ली नहा गए और फिर इसको प्लेन वाटर से वॉश कर दिया यू आर गोइंग टू बी अमेज आपके बाल ऐसे चमकदार हो जाएंगे ना और ग्रोथ का तो पूछो ही मत बहुत ही सुंदर ग्रोथ आपको मिलेगी ऑल राइट right, तो टोनर हमने रोज इस्तेमाल कर लिया कंडीशनर हमने शैंपू की बात कर लिया मास्क हमने हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम दो बार ट्राई कर लिया इसके बाद क्या अगर एक हफ्ते का आप ये पूरा का पूरा चैलेंज अपने लिए पूरा कर चुके हैं तो हेयर फॉल तो आपका डेफिनेटली सब्साइड हो जाएगा इसके बाद आप चाहें तो इस मास्क को वीकली अपने बालों के लिए कर सकते हैं ताकि बालों को वो टाइटनिंग याद आए देखिए फेनग्री क्या करता है आपके हेयर हेयरफॉल को एकदम टाइटन कर देता है और अननेसेसरी हेयर फॉल जो होता रहता है ना जो ब्रिटल बालों की वजह से वो नहीं होता है तो इसको आप वीकली ट्राई कर लीजिए टोनर जब आपका दिल करे तब लगाइए कोई टेंशन है ही नहीं और जो कंडीशनर है वो अगर आप चाहें तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से बना सकते हैं शायद बाकी के जो मार्केट बेस्ड कंडीशनर्स हैं उनको त्यागी दीजिए इसी को एज अ कंडीशनर लगा लीजिए जी हाँ ये भी पॉसिबल है तो आप जैसे ही कम्फर्टेबल हैं जैसा आपका समय आपकी एनर्जी आपको अलाउ करती है उतना आप कीजिए एंड सी द वंडरफुल रिजल्ट फॉर योर जब आपको रिजल्ट मिले तो वापस आके इस वीडियो में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हम आपके ब्यूटीफुल से रिजल्ट्स का वेट करेंगे पूरे परिवार को प्रोत्साहन मिलता है खुशी मिलती है और इसी तरह से हम लोगों ने फोर मिलियन का माइलस्टोन कंप्लीट किया है वापस आके एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को अपने रिजल्ट्स बता के एंड दिस इज व्हाट फैमिली इज ऑल अबाउट तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो और अगर पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिए अब चार मिलियन पर भी यही याद दिलाते रहो क्या कि लाइक कीजिए लाइक कीजिए लाइक like करना नहीं भूलना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसको इसकी आवश्यकता है मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर स्किन एंड हेल्थ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका दिल से आभार लत्सफ ला